ये पूरा ब्रह्मांड जिस परमात्मा के द्वारा उत्पन्न होता है, जिस ईश्वर, जिस श्रीमन नारायण के द्वारा, वही इस संसार को चलाने वाले हैं। और भगवान की मर्जी के बिना, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये सत्य है कि हमारे और आपके भीतर ईश्वर ही बैठ करके हर प्रकार की गतिविधि नियंत्रित कर रहे हैं। भगवान के द्वारा ये संसार संचालित कैसे होता है? जैसे आप जैसे तपस्वी संतों के द्वारा, भगवान ही इस रूप में आकर के और हम सभी को ये पॉजिटिव ऊर्जा एनर्जी देते हैं। और एक संत की तपस्या से हमें लगता है कि पूरा देश सुरक्षित होता है। एक संत समागम हरि कथा, दुर्लभ तुलसी दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। भगवान का नाम, भगवान का दर्शन, भगवान की कथा। भगवान कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा, हमसे ज़्यादा संतों में हमारा दर्शन करो। भगवान कहाँ है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना है तो भगवान सब जगह, पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में है, कणकण में व्याप्त हैं, सर्वम खलवेदम ब्रह्म। पर यदि उनकी व्यापकता को साकार रूप में देखना है तो आप जैसे महान संतों के द्वारा ही वह प्रकट होकर के समाज के उत्थान और कल्याण के लिए अवतार धारण करते हैं। कभी वो राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन, और कभी आप जैसे महापुरुषों के रूप में आके हम जैसे पतितों को पावन करते हैं। केवल भगवान का नाम ही इस जीव मात्र के कल्याण का एकमात्र साधन है। इसलिए कुल मिला के ये निष्कर्ष निकलता है कि भगवान के नाम का आश्रय हम सबको लेना चाहिए। और जैसा कि स्वामी जी आपको हमने अभी देखा कि आप भी ध्यान मस्त थे, और यही जीवन की सार्थकता भी है। हम तो आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप हम जैसे सभी प्राणियों को ये बताएं कि आप जिस परम तत्व का ध्यान करते हैं वो परम तत्व क्या है, वो परम तत्व कौन है, और आप जिस प्रकार से ध्यान करते हैं उसकी विधि क्या है, ताकि ये जीव मात्र का भी कल्याण आपके द्वारा हो सके। आपके ध्यान, आपके चिंतन के द्वारा आप जब बतलाएंगे तो हम जीव मात्र भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि ऐसी समाधि हमारी और ये जनमानस की लगे। यही आपके श्री चरणों में बारंबार निवेदन है। बोलो बाबा ससुराण की जय। बोलो बाबा रुद्र की जय। बोलो रुद्र। छत्तीसगढ़ की राजगढ़ की राजगढ़ जिला में संत जी बैठे हैं, स्वामी श्री सत्यनारायण बाबा जी। कल दास ने भी दर्शन किया। सत्यनारायण बाबा जी जो बैठे हैं, ये वो संत हैं जो आप टीवी पर देख पा रहे हैं। ये ऐसे संत हैं कि बस बैठे हैं, 25-24 साल पूरे हो गए ये बैठे हैं, ना पानी पेट भर पीते हैं, ना भोजन करते हैं, और बैठे केवल भगवान का ध्यान करते हैं। जब आज के युग में सत्यनारायण बाबा जी यदि 24 साल से आज के युग में बैठे तपस्या कर सकते हैं एक आसन में, तो उस जमाने में जो हमारे ऋषि मुनि साधु संत समाधि ध्यान लगाते थे, तो वो कैसे गलत हो सके। ये संत हैं, ये देखिए आप टीवी पर दर्शन कर पा रहे हैं। ये स्वामी श्री सत्यनारायण जी, ये 24 साल से छत्तीसगढ़ की रायगढ़ की पावन धरती पर, अर्थात यहां जिला रायगढ़ में एक गांव है, वहां बैठकर ये स्वामी जी ध्यान करते हैं। और रात्रि के 1-12 बजे इनका ध्यान खुलता है। पूरे दिन ध्यान में, और बारिश होती है तो भी खुली बारिश में बैठे रहते हैं, गर्मी में पूरी धूप में बैठे रहते हैं, सर्दियों में ऐसे ही बैठे रहते हैं। कल दास अनिरुद्ध गया था दर्शन करने, रात्रि को 1 बजे दर्शन हुआ और स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया। और आश्चर्य ये है कि दास अनिरुद्ध जो आपको कथा सुना रहे हैं, स्वामी जी जब स्वामी श्री सत्यनारायण बाबा जी जब ध्यान समाधि से जागते हैं तो वो भी कथा सुनते हैं। ये जो कथा दास अनिरुद्ध कह रहा है वो भी कथा सुनते हैं। तो दास अनिरुद्ध कथा, ये देखिए उनके सामने एक लैपटॉप है जिस पर वो कथा सुन रहे हैं। तो ये दास अनिरुद्ध जब गया तब वो कथा सुन रहे थे। कहने का अर्थ ये है कि आज के युग में बिना बड़े बड़े डॉक्टर आए, बड़े बड़े न्यूज चैनलों की टीम आई,
सबने विचार किया कि बाबा जी बिना खाए पिए कैसे जिंदा हैं, लेकिन भाई ये परम शक्ति है, जो भगवान में डूब गया, जो भगवान का हो गया, उसकी जिम्मेदारी तो अब भगवान की है, भगवान संभालेंगे तो वो संभाल रहे। आज के युग में यदि ऐसी महान विभूति हो सकती हैं, तो उस युगों में इस सतयुग त्रेता द्वापर में कोई संत तपस्या करते, हमारे भागवत जी में ग्रंथों में तो लिखा है साधु संत हजारों साल की तपस्या में चले जाते थे, ये कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान की भक्ति में शक्ति है, उस शक्ति का एक उदाहरण स्वामी श्री सत्यनारायण बाबा जी हैं। यदि आज ऐसा है तो तब भी रहा होगा,